हेलो स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग रियली रियली वेल नाउ अब डर लग रहा है कई बच्चों को सर व्हाट क्ड हैपन इफ माय शिफ्ट कम्स हार्ड टफ आ गई शिफ्ट मेरी मेरा पेपर टफ आया दूसरे का पेपर आसान आया देखो पहली बात वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन दिस कि किसकी शिफ्ट कैसी आएगी कहीं की आसान आएगी कहीं की टफ भी आएगी टफ पहली बात सबके लिए टफ है उस सेशन में आसान है तो सबके लिए आसान है एज अ टीचर आई कैन टेल यू दैट पेपर शुड नेवर बी टू इजी फॉर एग्जाम्पल जो फिजिक्स का हो रखा है आज की डेट में पेपर शुड नेवर बी टू जी उसका रीजन है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं या फिर जो अभी भी मान लो परफॉर्म कर जाएंगे उस इजी पेपर में एरर वुड कॉस्ट वेरी हाई क्योंकि पेपर आसान है तो मेजोरिटी बच्चा सही कर रहा होगा आपने शिद्दत से मेहनत करी है और शायद होता या, silly errors है सिली एर होते हैं सबसे होते हैं यू कॉन्ट कंट्रोल दें और उसमें आपकी कोई गल, गलत गलती भी नहीं है जिसके लिए आपको गिल्टी फील होना चाहिए नहीं बट इट विल कॉस्ट यू रियली रियली बैडली सो इसलिए इफ यू हैव वर्कड हार्ड इट इज ऑलवेज बेटर दैट पेपर शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी जहां पर होता क्या है ना जब आसान क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली एरर्स एक एवरेज या अब एवरेज अब अब बच्चे के बढ़ जाते हैं तो आप अगर डिजर्विंग है तो यूवियसली विल एक्सपेक्ट पेपर टू बी ऑफ अ गुड क्वालिटी बट अगर हम बात करते हैं मालो टफ आ गया सर बहुत ज्यादा देखो टफ पहली बात सबके लिए उसी के प्रपोर्शनेटली आपका क्या होगा परसेंटाइल गिर जाएगा और क्या होगा भाई टफ है तो वो सबके लिए टफ है तो इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा जब आप पेपर दे रहे हो आपका पेपर जब चल रहा हो फाइनल डे अगर आपको फीलिंग आ रही है आसान है आसान है आसान है तो आप जो क्वेश्चन को आसान मान रहे हैं उन पर थोड़ा टाइम देके सॉल्व करिएगा रीड क्वेश्चन इवन मोर केयरफुली बिकॉज चांसेस ऑफ डूइंग सिली एरर्स आर ऑलवेज हायर एंड वंस यू फिगर आउट सर मेरे को पेपर बहुत टफ लग रहा है तो घबराने का नहीं है इसका मतलब दिमाग में डालो सबके लिए टफ है इसका मतलब मुझे आसान और मॉडरेट क्वेश्चन ढूंढने हैं क्योंकि मुझे ये बात पता है बहुत सारे बच्चे बॉकडाउन हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे सोच के पेपर तो बहुत टफ है और वह दो घंटे में ही पेपर गिवअप कर देंगे दो घंटे क्या बहुत सारे बच्चे तो उससे पहले गिवअप कर देंगे बट जो ये सोच के जाएगा टफ है यही तो मेरी ऑपरचुनिटी है कि मेरे को पता है सेवेंटी परसेंट जनता तो वैसे ही फ्लैट हो गई तो मेरा सत्तर परसेंट कॉम्पिटिशन तो भाग गया अब वो सत्तर परसेंट में बात कर रहा हूं अब जनता की जो टेन परसेंट में भी सत्तर परसेंट रुलते हैं वो भी भाग जाते हैं जब टफ आता है पेपर तो तो वो मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं आप उन्हें वही पेपर में बीट कर देंगे जब आप एकदम से बैक ट्रैक करेंगे मुझे तो सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चन फिल्टर करने हैं मेकिंग श्योर दैट दे आर ऑल गुड बस ये फंडामेंटल से जाइए पेपर आसान तो उछलना नहीं पेपर टफ तो डिप्रेस नहीं हमें अपना टेंडम मेंटेन करना है एक बैलेंस मेंटेन करना है आसान तो ओवर कॉशियस डिफिकल्ट ठंडा बी कूल हमें इजी और मॉडरेट ढूंढने और क्वेश्चन सॉल्व कर दे ठीक है चलिए आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल इन गिविंग यू सम इन और शायद फाइनल डे ये चीज आपको काम आए और कीप वर्किंग हार्ट पेपर फोड़ना है